वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं अपना ये सेंसिवेरिया का प्लांट दिखा रही हूँ, जिसमें कि देखिए अब फ्लावरिंग हो रही है। ये सेंसिवेरिया का प्लांट मेरा 5 साल पुराना है इस गमले में, और पूरा इसके न्यू शूट्स निकल निकल के पूरा गमला भर गया है। इसको हम कहाँ शिफ्ट करें? ये देखिए, एक में शिफ्ट किया था, ऊपर भी कई में शिफ्ट किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भर गया है। और पुराना होने के कारण देखिए इसमें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हुई है। अब की पहली बार मेरे सेंसिवेरिया में फ्लावरिंग हुई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक इसका वीडियो भी शेयर करूं। फ्रेंड्स, सेंसिवेरिया जो है सबसे बढ़िया एयर प्योरीफायर इंडोर प्लांट होता है, और जिसको लगाना बहुत आसान होता है। ये पत्ती से भी प्रोपोगेट हो जाता है। इसकी एक पत्ती कहीं मिल जाए इतनी इतनी, 4-4 इंच की, आप काट के और मिट्टी में सैंड में लगा दीजिए, इसमें रूटिंग हो जाती है और प्लांट तैयार हो जाता है। और प्लांट, एक प्लांट से हजारों प्लांट बनते हैं। इसमें ही मेरे सैकड़ों प्लांट होंगे, और ये छोटा सा है, इसमें देखिए इसमें भी तमाम प्लांट बने हुए हैं। ये इंडोर प्लांट है, इसको धूप बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, और अगर आपके पास कहीं छाए में न रखने का हो तो आप इनको जो है आपके ग्रीन नेट हो वहाँ रखें या छाए में रखें। ये जो है धूप बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ, हल्की धूप इसको लग जाए, रिफ्लेक्शन धूप का। और इसकी पत्तियाँ बहुत लंबी लंबी होती हैं। ये कई वैरायटी का होता है, ड्वार्फ वैरायटी, टाल वैरायटी, और इस तरह से बिल्कुल ग्रीन और उसमें वाइट का, ये देखिए। और जो है एक होता है धारियों वाला, जिसमें पीली धारियाँ होती हैं, एक चौड़ी पत्तियों वाला होता है, वो सब भी टाल वैरायटी, डॉप वैरायटी, हर वैरायटी में आते हैं। लेकिन इनको लगाना चाहे जिस वैरायटी का हो आप लगा दीजिए। और इस तरह से आपको कटिंग से या उसकी जो नई ये पप्स निकलते हैं, इनसे एक से हजारों पेड़ आपको मिल जाएंगे प्लांट। और जब प्लांट पुराना हो जाएगा तो इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। देखिए इसकी फ्लावरिंग की स्टिक इतनी लंबी लंबी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और कितनी खूबसूरत लग रही है। इनका अपना एक अलग ही अंदाज है, और देखने वाली खूबसूरती भी बिल्कुल। और इसमें देखिए महीन महीन फूल खिले हुए हैं, देखिए ध्यान से। और ये ऐसा प्लांट है, इसको जो है पानी आप 1-2 दिन ना भी दीजिए तो कोई वो नहीं इनके, क्योंकि ये कुछ सकुलेंट टाइप का होता है। इसकी पत्तियाँ मोटी गूदेदार होती हैं, तो इनमें पानी होल्ड रहता है, तो 2-3 दिन पानी ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि रोज़ हल्का पानी इनमें डालते रहिए या इनके ऊपर पानी स्प्रे करते रहिए, तो इनकी पत्तियाँ इसी तरह से हरी भरी मेंटेन रहती हैं। फर्टिलाइज़र आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए। इसमें तो मेरे कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र डालने की जगह ही नहीं है। इसमें कभी कभी मैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ जो मस्टर्ड केक वगैरह का बनाती हूँ, बनाना पील फर्टिलाइज़र, तो इसमें भी डाल देती हूँ। लेकिन देखिए आज मैं देखी, मैंने इसमें ये फ्लावरिंग इतनी सुंदर लगी, तो मैंने सोचा कि आपसे ये वीडियो शेयर करना तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड, इस तरह से सेंसिवेरिया में आज फ्लावरिंग मैंने देखा और आपको भी दिखाया। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें प्लीज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।